हेलो एवरीवन वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स जिसमें हम फोकस करते हैं वो कैबलरी और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने पर और हम डेली वन और टू एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस वो भी हम देखते हैं तो so, uh, आप बैंकिंग वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिस uh, मॉक की वेबसाइट पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है और जिसपे आपको डिस्काउंट आप कूपन अप्लाई कर सकते हैं पी और आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अलावा अभी आ, एक गुड न्यूज और कि प्रैक्टिस मॉक के टू मिलियन यूजर्स पूरे हो गए हैं और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए माइलस्टोन स्टोन सेलिब्रेशन सेल हमारी चल रही है जिसमें आप अप टू थर्टी परसेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं सो हरी अप एंड टेक टेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस सेल आप अपने जो फेवरेट कोर्सेज हैं और हैं वो परचेज कर सकते हैं सो हरी नाउ नेक्स्ट है अब अपने एडिटोरियल साइट्स पे आते हैं ये पॉइंट्स आपको पता है तो आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है द ट्रिब्यून से सुसाइड बाय स्टूडेंट्स तो जो अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसमें कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किए और ये सिर्फ एक किसी रीजन पे लिमिटेड नहीं है ये अक्रॉस द कंट्री अलग अलग सिटीज से न्यूज़ आ रहे हैं तो इसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट ने इस बात इस, इस, इसके ऊपर एक आ, इस इसके ऊपर ध्यान दिलाया है पूरे कंट्री का तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है और ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर डाइवर्स टॉपिक के क्वेश्चनस होते हैं उसमें आपको अगर ऐसे लिखना है ठीक है पैराग्राफ लिखना है तो इस टाइप के जो एडिटोरियल्स हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने इस सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं किस तरह इन्फॉमेशन प्रेजेंट की गई है वो आपको इंस्पायर कर सकती है अपने एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए तो इसको आप रीड करें और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ओके सो

कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो आई जो आईआईटी के स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए और उसके अलावा जो aspiring, एक तो जो में पढ़ रहे हैं उन, 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 कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया उसके अलावा जो एस्पायर कर रहे हैं यानी कि जो पढ़ रहे हैं आई में एडमिशन के लिए जो कोचिंग कर रहे हैं अभी तो एस्पायरिंग क्या होता है आप कुछ अचीव करना चाहते हो किसी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उन लोगों की बात की जा रही है तो एस्पायरिंग टू एंटर द पोर्टल एक पोर्टल होता है एक दरवाजा एक डोर तो किसके डोर एंटर किसके डोर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो क्या कहां पर एंटर करना चाहते हैं प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन पे जो आई आई टीज में दीज यहां पे किसके लिए आई आई टीज तो दीज प्रस्टीजियस प्रेस्टिजियस प्रेस्टीज क्या होती है रिस्पेक्ट तो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन यानी बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्टफुल इंस्टीट्यूशन है यानी आई आई टी बात हो रही है तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज राइटली एम्फेसाइज दैट ड्यू अटेंशन बीड पेड टू अरेस्ट दरसन ट्रेंड तो जो हमारे प्रेजिडेंट हैं उन्होंने सही इट इज़ राइट कि उन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज किया इस बात पर जोर दिया तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं हम उस बात पर जोर देते हैं हम कहते हैं कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है उन्होंने तो इस बात पर जोर दिया है कि ड्यू अटेंशन भी पेड अब यहां पर ड्यू के क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा attention एक है और अटेंशन को मॉडिफाई कर रहा है और और को modify करते हैं adjectives. तो यहां पर है है? एक ये कैसी attention है? Due attention. यानि कि जो अटेंशन देनी जरूरी है वो अटेंशन दी जानी attention देनी चाहिए कि जो ये अरेस्ट करना अरेस्ट करना क्या होता है एक तो होता है पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेती है ठीक है लेकिन अब वहां वो लीगली अरेस्ट करना यहाँ पर मीनिंग नहीं है अरेस्ट का मतलब है टू स्टॉप ठीक है जब किसी क्रिमिनल को भी अरेस्ट किया जाता है तो उसकी मूवमेंट को स्टॉप किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर अरेस्ट का मतलब है टू स्टॉप टू स्टॉप वॉट टू स्टॉप द वरीसम ट्रेंड जो ये चिंताजनक ट्रेंड बन गया है कि स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये ये इसके ऊपर अटेंशन ध्यान देना चाहिए द इशू केम टू द फोर वंस अगेन लास्ट वीक तो ये वाला जो इशू है सुसाइड्स uh, का ये दोबारा सामने आया केम टू द फोर तो ये जब ये फ्रेज यूज होता है कम टू द फोर यानी सामने आ गया फोर यानी फ्रंट तो ये इशू सामने आया एक बार फिर पिछले हफ्ते व्हेन अ ट्वेंटी ईयर ओल्ड स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली टी अ ट्रैजिक एंड जब एक ट्वेंटी ईयर ओल्ड स्टूडेंट जो है उसने ट्रैजिक एंड यानी कि एक जो सैड ये एंड था यानी जो सुसाइड की तो ये ये वाला जो इशू है ये दोबारा सामने आया अर्लियर इन जनवरी राजस्थान कोटा राजस्थान का जो टाउन है कोटा आप सब जानते होंगे सो द कोचिंग हब ऑफ आईआईटी आई एस्पिरेंट्स वॉज रॉक्ड यहाँ पर रॉक्ड का मतलब है शेकन ठीक है यानी कि शॉक्ड ओके तो जो Uh, जो टाउन था वो शॉक था बाय द डेथ ऑफ टू स्टूडेंट्स हु टुक द एक्सट्रीम स्टेप दो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी तो ये इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है अब आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ये देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट ने भी इस बात पे ध्यान दिलाया है कि ये इसके ऊपर एड्रेस इस इन इश्यूज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और आप कोट कर सकते हैं कि आईआईटी एस्पिरेंट्स जो है uh, कि कुछ टाउन्स में

The और को जो बिट्रे करते मीनि लेकिन बिट्रे के डिफरेंट मीनिंग होते हैं एक मीनिंग तो होता है धोखा देना बिट्रे करना किसी के ट्रस्ट को ब्रेक करना और उसे को तोड़ना लेकिन दूसरा एक और मीनिंग होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को आप बिन अन अनजाने में आप किसी के सामने व्यक्त कर देते हो एक्सप्रेस कर देते हो तो बिट्रे करना बिट्रे सुसाइडल टेंडेंसीज यानी कि कोई स्टूडेंट है वो दिखाना नहीं चाहता कि वो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी यानी वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है लेकिन कई बार उसके पेरेंट्स या टीचर्स को कुछ इनडायरेक्टली उनको पता चल जाता है आइडिया हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सुसाइडल टेंडेंसी बिट्रे कर रहे हैं यानी कि वो अनजाने में ही आ, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो उनके सुसाइडल टेंडेंसीज है यानी कि उनका उस, उन, उनको लग रहा है कि वो सुसाइड की तरफ झुकाव है उसके बारे में सोच रहे हैं तो उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए टीचर्स को एंड कीप देयर पेरेंट्स इन्फॉर्म और टीचर्स को पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म रखना चाहिए अगर स्टूडेंट्स ऐसे कोई साइंस शो करता है तो इज ऑन पॉइंट तो ये वाली बात जो है प्रेसिडेंट की ये जो अपील है ये ऑन पॉइंट है यानी कि बिल्कुल रेलिवेंट है ये टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और जब हम कोई चीज को कहते हैं दिस इज ऑन पॉइंट यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है वो उस सिचुएशन में बिल्कुल पूरी तरह से अप्लाई होता है फॉर अमंग द लीडिंग कॉजिज ऑफ सुसाइड ऑन हाईली स्टॉट आफ्टर कैंपस इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द बिलीगर स्टूडेंट्स तो अब जो लीडिंग कॉज है जो लीडिंग यानी कि जो मेन कॉज है उनमें से कोई ए, एक कौन सा है

ठीक है उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है सॉर्ट और शॉर्ट आफ्टर यह बन गया एक एडजेक्टिव और ये शॉर्ट आफ्टर इसका मतलब होता है ऐसी चीज जिसको लोग पाना चाहते हैं बहुत ज्यादा तो यहाँ पर शॉर्ट आफ्टर का मतलब है ऐसे कैंपस जो लोग बहुत ज्यादा जहां पर जाना चाहते हैं आई आई की बात हो रही है तो उनमें जो फैक्टर है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी अमंग द स्टूडेंट्स अगर बिलीगढ़ वर्ड है ये एग्ज़ाम में आ सकता है और बिलीगढ़ का मतलब है किसी चीज़ से आप परेशान हो कोई बहुत मुश्किल से हालातों में हो आप तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है वहां पे और वो भी फैक्टर्स भी डिस्कस होंगे कि क्यों नहीं है और उसकी वजह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और जिसकी वजह से फिर वो कंट्रीब्यूट करता है नम, सुसाइड अटेम्प्ट्स में इट मे अराइज फ्रॉम द प्रेशर ऑफ अब यहाँ पर वही फैक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं कि उनके क्या ट्रबल्स हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जो ट्रबल्स हैं वो हो सकते हैं प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस वहाँ आई आई में क्यों क्योंकि कंपटीशन जो है बिल्कुल कट थ्रूट है कट थ्रूट कंपटीशन यानी कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंपटीशन है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है उसके अलावा रैगिंग एक फैक्टर है एंड इवन डिस्क्रिमिनेशन तो ये सब चीज़ें जो है ये उन स्टूडेंट्स के ट्रबल्स में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं जिससे उनको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है

कि जो पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है वो टूट जाती है तो वो उस प्रेशर को और ज्यादा झेल नहीं सकती तो बकल करना यानी कि टू ब्रेक ओके तो यहाँ पर बकलिंग अंडर यानी कि ब्रेकिंग अंडर स्ट्रेसफुल फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अंडर प्रिवलेज होते हैं प्रिविलेज होता है आपके पास एजुकेशन है मनी uh, है रिसोर्स है, uh, है तो ये सब चीजें क्या होती हैं प्रिविलेज होते हैं हैंज वो पर्सन होगा जिसके पास ये सब चीजें नहीं होती तो ऐसे सेक्शन से जो लोग आते हैं और उसके अलावा जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं यानी पॉपुलेशन के वो लोग जो जो मार्जिन uh, पे रहते हैं अब आप मार्जिन ड्रॉ करते थे याद करो जब जब भी आप एक जैसे नोटबुक के अंदर आप मार्जिन ड्रॉ करते हैं तो मार्जिन तो हमेशा कहाँ होते किनारों पे एजेस पे होते ठीक है तो ये मार्जिन का मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल सोसाइटी के बाहर रह रहे हैं यानी जिनको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है मार्जिनलाइज सेक्शन जिनको सोसाइटी के बाहर एरिया में रखा जाता है अब सोसाइटी के बाहर का मतलब ये नहीं कि बाहर का एरिया यानी जमीन की बात नहीं हो रही एज अ सोसाइटी की बात हो रही है सोसाइटी के सेंटर में वो लोग होंगे जिनके पास प्रिविलेजेस है सोसाइटी के बाहर के एरिया जिनको इग्नोर किया जाता है वो हो जाएंगे मार्जिनलाइज पीपल तो उन तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स जो है इन सेक्शन को बिलोंग करते हैं द कॉलेज ऑथोरिटीज नीड टू इंश्योर अ फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव एम्बियंस टू प्रिवेंट दीज अनफॉर्चुनेट सजेशन अब अगर आपको सजेशन अब आप अगर आप जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पे आपको पूछा जाता है कि अगर आ, अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए क्या फैक्टर्स हैं इनके पीछे तो आप अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए आप, आप क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं सब आडिटोरियल्स रीड करने आप कह सकते हैं आप सजेशन क्या दोगे कि अथॉरिटीज़ को ये क्या करने की ज़रूरत है फ्रेंडली और इंक्लूसिव एम्बियंस एम्बियंस इज़ एन एन्वयमेंट ठीक है तो अच्छा एनवायरमेंट इंक्लूसिव एनवायरमेंट जहां पे सब सेक्शन के लोग जो है वो आ, जो इंक्लूडेड हो आपस में मिलके रहे तो ऐसे ऐसे एनवायरमेंट को प्रोवाइड करने की जरूरत है टू प्रिवेंट दीज अनफॉर्चुनेट एपिसोड तो ये तो एक सजेशन हुआ ओके दैट दीज इंसिडेंट्स आर टेकिंग प्लेस विद एन अलार्मिंग रेगुलरिटी रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन दिस स्टेप्स टेकन टू टैकल द ग्रेव मैटर सो फार तो ये क्योंकि ये अलार्मिंग रेगुलरिटी से हो रहे हैं

अभी तक जो लिए गए हैं वो सही नहीं है या फिर पर्याप्त नहीं है सफिशेंट नहीं है इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए या टैकल वर्ड का मतलब क्या होता है फाइट करना किसी चीज़ को ठीक है हैंडल करना किसी चीज़ को द सिचुएशन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ बीन ग्रिम बहुत सीरियस सिचुएशन रही है पिछले कुछ सालों में एक सौ बाईस स्टूडेंट्स ने Uh, अपन, uh, जो है सुसाइड सुसाइड किया इन वेरियस आई ड्यूरिंग 2014 टू 21 तो so, इस टाइम पीरियड में इतने स्टूडेंट्स ने सुसाइड की तो so, ये ये जो स्टैटिस्टिक है ये बहुत ग्रिम है वेरी सीरियस एंड ये बहुत सीरियस सिचुएशन है इन एट द सेम टाइम पेरेंट्स आर गिल्टी ऑफ पुशिंग देयर चिल्ड्रन टू हार्ड एंड मेकिंग देम चूज करियर्स दे मे नॉट बी कट आउट फॉर अब उसी के साथ साथ क्या सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की गलती है यहाँ पर पेरेंट्स की भी गलती को पॉइंट आउट किया गया कि एट द सेम टाइम पेरेंट्स जो है उनकी भी गलती है दे आर ऑल्सो गिल्टी किस चीज को लेकर वो रिस्पॉन्सिबल है वो पुशिंग देअ चिल्ड्रन टू हार्ड अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ही पुश कर देना उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना और उनको फोर्स करना मेकिंग देम चूज करियर्स दे में नॉट बी कट आउट फॉर ऐसे करियर्स में उनको फोर्स uh, कर देना वो करियर्स लेने के लिए जिसके लिए वो शायद बने नहीं है तो ये जो फ्रेज है कट आउट फॉर मैंने कि, कि किसी चीज में आप नेचुरली बहुत अच्छे हो तो uh, उसके लिए कहते हैं ही इज कट आउट फॉर दिस अगर कोई बैट्समैन कोई बैटिंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि ही इज कट आउट फॉर दिस रोल यानी कि वो इस रोल को परफॉर्म करने के लिए नेचुरली uh, टैलेंटेड है ठीक है तो जो, अब जो लोग नहीं है उनके पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं उनको वो स्ट्रीम्स चूज करने के लिए वो करियर पाथ चूज करने के लिए तो ये भी गलत है दे जस्ट नीड टू लुक अराउंड एंड सी हाउ यंगस्टर्स देयर ड्रीम्स एंड अप डूइंग वेल पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आ, अपने आसपास कि उन वो लोग जिन्होंने अपने ड्रीम्स को परस्यूव कि, किया अपने ड्रीम्स को फॉलो किया वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो ये देखना चाहिए पेरेंट्स को और फोर्स नहीं करना चाहिए अपने चिल्ड्रन को वो करियर चूज करने के लिए जिसके लिए उनके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं है या वो नहीं करना चाहते जिससे फॉलो दाउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली बिगिन एट होम और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो काउंसलिंग होती है एक 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 प्रोफेशनल काउंसलर का रोल बाद में आता है सबसे पहले जो काउंसलिंग शुरू होती है बच्चों की वो कहाँ पे शुरू होती है वो घर से ही शुरू होती है इट एम्पावर्स कॉन्फिडेंस टू टैकल ऑफ लाइफ ऑन। अगर घर पर ही आ, घर से ही अगर उनकी काउंसलिंग अच्छे से हो पेरेंट्स उनकी आ, उन उनके बा, उनके बातों को समझें तो उससे क्या होगा वो जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्पावर होंगे और उनके पास और ज्यादा वो इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन सब चीज़ों को फाइट करने के लिए इन चैलेंजेस को वो एम्पावर हो जाएंगे उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उन्हें हेड ऑन फेस करेंगे यानी कि डायरेक्टली फेस करेंगे तो ये जो है इस एडिटोरियल का जो मेन आइडिया यही है कि के ये केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं इम्पॉर्टेंट है कि हमारे प्रेसिडेंट ने भी पॉइंट आउट किया है क्या क्या क्यों है ये प्रॉब्लम वो फैक्टर भी दिया गया है क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस को वो भी सजेशन दिया गया है उसके अलावा पेरेंट्स का भी क्या रोल है और उन्हें क्या करना चाहिए ये भी डिस्कस किया गया है तो एक तरीके से जो है सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं और जब आप लिखते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लिखते हैं एक पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको भी डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए और थीम से थीम पर ही रहना है और लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करने तो जो थीम थी बाय स्टूडेंट्स ये पूरा एडिटोरियल उसी पर ही फोकस करता है लेकिन उसी के ही डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब एस्पेक्ट्स को इसने कवर किया है तो नेक्स्ट जो है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड एडिटोरियल में जो हमने देखे ये वो है, तो, नेक्स्ट है नो रेड फ्लैग ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है तो इसको आप रीड कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं ओके okay. ठीक है तो आई होप आपने रीड कर लिया है स्टार्ट करते हैं ऑल टे so, 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 वो एक लग्जरी थे वो आसानी से नहीं मिलते थे प्रीमियम पे मिलते थे कॉस्टली होते थे मे और जुलाई के मौसम में ज्यादातर वो टोमेटोज मिलते थे विंटर एंड स्प्रिंग मंथ्स में यानी कि रिटेल प्राइसेस राइजिंग सम फाइव टाइम्स टू एन एवरेज समाइव हंड्रेड पर के जी इन लास्ट वन मंथ इज अ अ रिमाइंडर ऑफ नॉट वेजिटेबल फॉर द हॉट एंड ह्यूमिड सीजन तो अब क्योंकि टोमेटो के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो ये एक ये रिमाइंडर है कि जो टमाटर है वो वो वेजिटेबल हॉट और ह्यूमिड सीजन के लिए नहीं है क्योंकि पहले भी क्या होता था कि इस मन, इन मंथ्स में मई से जुलाई में टोमेटोज नहीं मिलते थे आसानी से ठीक है पहले के टाइम में ये कहा गया है और फिर अब इस साल क्योंकि टोमेटोज का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले एक महीने में तो ये याद दिलाता है कि हाँ इस सीजन में टोमेटोज जो है वो एक लग्जरी है वो आसानी से नहीं मिलते हॉट एंड ह्यूमिड सीजन में वाई एल एमेनेबल टू ग्रोइंगाउंड दर प्ला प्लांटिंग ड्यूरिंग मे जून टू ऑगस्ट तो एमनेबल होता है कोई अगर किसी पर्सन के लिए आप यूज कर रहे हो तो आ, वो पर, आप किसी से कुछ कहते हो और वो आपकी बात मान आसानी से मान ले ठीक है और जैसे आपको उसी तरीके से काम कर दे resist ना करें आपके बात को तो कहेंगे कि ये पर्सन amenable है आसानी से कोई भी बात मान जाता है अब टो, टोमेटो प्लांट के लिए हम यूज कर रहे हैं तो यहां पर उसका मतलब कुछ और होगा यहां पर है कि जो आसानी से कहीं जहां हम चाहे वहां ग्रो हो जाता है तो वाईबल टू ग्रोइंग मेनली टमाटर को उगाया जाता है जून से अगस्त में जब मानसून रेन आती है और अक्टूबर से नवंबर में ये दो तो टाइम है जब टमाटर उगाया जाता है गिवन अ 120 टू 125 डेज क्रॉप साइकिल तो टमाटर का जो क्रॉप साइकिल है इतने डेज है अब हमें ये सब याद नहीं रखना बट हमें इसका मेन पॉइंट समझना है द फर्स्ट फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग आफ्टर सिक्सटी टू सेवेंटी डेज एंड दब्सिक्वेंट फ्लशेज एवरी सेवन टू टेन डेज तो पहले जब प्लांट करने के बाद जो पहला फ्रूट आता है टमाटर के पौधे पर वो आता है साठ से सत्तर दिनों में और उसके बाद फिर फ्लशेज़ आते हैं यानी कि आपने तो टमाटर आपने उसको प्लक कर लिया तोड़ लिया उसके बाद फिर नया नया जो टमाटर uh, आएगा उसके लिए फ्लश वर्ड यूज किया है तो फिर फ्लशेस होते हैं हर सात से दस दिन में फिर टमाटर आते हैं फिर फ्रूट आता है इट मीन दैट फ्रॉम मिड ऑगस्ट एंड टेल ऑफ मार्च एंड तो ऐसा ये जो साइकिल चलता है टोमेटो तो, का उसके अकॉर्डिंग जो सप्लाईज है वो बढ़ जाती है पिकअप यानी कि इंक्रीज हो जाती है मिड uh, ऑगस्ट के टाइम पे एंड टेल ऑफ टेल ऑफ मतलब धीरे धीरे कम होती जाती है टूवर्ड्स मार्च एंड तो अगस्त में बढ़ने लगती है सप्लाई और मार्च एंड तक कम होते होते काफी कम हो जाती है ठीक है तो पिकअप एंड टेल ऑफ तो ये ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सच एज ड्रिप इरीगेशन एंड प्लास्टिक मल्चिंग नाउ ऑल्सो प्लांटिंग टोमेटोज डिसंबर अप्रैल फॉर सेलिंग थ्रू दर टिल ऑगस्ट तो अब क्या हो रहा है कि ब्रीडिंग यानी डिफरेंट वेराइटीज से टोमेटोज uh, की डिफरेंट नई वेराइटीज बनाई जा रही है ब्रीड breed करके और हाईब्रिड टमेटोज बन रहे हैं जो कि विद स्टैंड कर सकते हैं झेल सकते हैं सामना कर सकते हैं हाई टेम्परेचर का तो वो ज्यादा टेम्परेचर में भी उग सकते हैं तो अभी हमने देखा था कि ज्यादातर इस मई से जुलाई में टमाटर नहीं होते थे लेकिन अब जो ये हाइब्रिड वेराइटीज हैं ये क्योंकि हाईर टेम्परेचर जो है झेल सकती हैं तो इसीलिए ये प्लस उसके अलावा वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज यूज की गई जैसे ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्चिंग तो इसकी वजह से फार्मर्स क्या करते हैं टमाटर्स को दिसंबर से अप्रैल में भी प्लांट करते हैं ठीक है ताकि वो उसे जून मई जून जुलाई में भी अगस्त में तक भी बेच सकें ताकि समर मंथ्स में भी वो अपने टमाटोज को बेच सकें तो ये नई वेराइटीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाया कि अगस्त तक भी टमाटर अवेलेबल होते थे नहीं तो पहले ट्रेडिशनली अगस्त में जो है टमाटर की सप्लाई टमाटोज की सप्लाई इंक्रीज होने लगती थी और फिर वो अप्रैल तक वो दिसंबर गेस दिसंबर और अप्रैल तक हाँ मार्च एंड तक वो कम होने लगती थी लेकिन अब इन नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो है टोमेटो टे, टे, जो है वो अवेलेबल होते थे समर मंथ्स में भी एंड दे रियलाइज बेटर प्राइसेस टू और क्यों करते थे फार्मर्स ऐसा क्योंकि जो समर टाइम में जो वो टमेटोज सेल करते थे तो वो काफ़ी बेटर प्राइस उनको मिलता था इसीलिए अच्छा रियलाइज का मतलब क्या होता है मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए रियलाइज़ यानी कि एहसास हुआ मैंने एह महसूस किया लेकिन यहाँ पर फार्मर्स ने ये महसूस नहीं किया ये एहसास नहीं किया उन्हें दे रियलाइज अब यहाँ पर रियलाइज का मतलब है किसी चीज को आ, सच बना देना यानी कि आप कुछ करते हो जिससे कोई चीज हो जाती है ठीक है मेक समथिंग हैपन तो यहाँ पर फार्मर जो है वो ज्यादा प्राइसेस भी उनको वो ऑबटेन कर पाते हैं मार्केट से ठीक है रियलाइज बेटर प्राइसेस यानी कि वो मार्केट से ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं

कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं और हाइब्रिड वेराइटीज यूज होती है तो ये कॉस्टली होते हैं दिस टाइम द क्रॉप इट्स मोस्ट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिजीज अटैक्स अब इस साल क्या हुआ कि वो जो क्रॉप थी जो समर में आनी थी उस पर पे, पेस्ट और डिजीज के अटैक्स हुए एंड एबनॉर्मली हॉट फेबर और फेबररी में इतना ज़्यादा गर्मी हो गई तो इन सब फैक्टर्स की वजह से वो वो जो आ, फसल थी उसकी ईल्ड थी वो कम हो गई पैदावार कम हो गई आयरनिकली प्राइस क्रैश इन मार्च अप्रैल दैट लेट फार्मर्स नॉट टू हार्वेस्ट बियड्स और एक और चीज हुई कि मार्च और अप्रैल में जो टोमेटोज का प्राइस था वो क्रैश हो गया यानी कि बहुत ज्यादा गिर गया तो जब प्राइस क्रैश हुआ तो फार्मर्स ने क्या किया जो हमने भी बात की थी कि टोमेटो का जो प्लांट है मेचोर हो जाता है फिर उसके बाद उसमें जो है फ्रूट लगता है जिसे हम कहते हैं फ्लशेज ठीक है तो एक या दो बार हार्वेस्ट करने के बाद प्लांट्स जो टोमेटो टमे, है फिर किसानों ने और ज्यादा टमाटर हार्वेस्ट नहीं किए क्योंकि प्राइसेस बिल्कुल गिर चुके थे फेबर में तो ये क्या है अभी आयरी में ही आ, मार्च अप्रैल में ही जो है फार्मर्स ने और ज्यादा टोमेटोज नहीं पिक किए द प्राइस स्पायरल नाउ इज टू दैट एक्सटेंट वन ऑफ एनोम और इसीलिए जो अभी जो प्राइस स्पायरल है जो ये बहुत जो प्राइस का जो स्पायरल क्या होता है कि कोई चीज कंटिन्यू होती जाती है यानी बढ़ रही है तो बढ़ती ही जा रही है तो ये जो अभी प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं ये टू दैट एक्सटेंड वन ऑफ फिनोमिना ये एक वन ऑफ फिनोमिना है फिनोमिन वन ऑफ यानी जो एक ही बार होता है तो ऐसी चीज जो सिर्फ एक बार ही हो रही है तो ये टोमेटो के जो प्राइसेस बढ़े हैं ये सिर्फ एक बार का ही इवेंट है क्योंकि ऑफ ऑल ऑफ टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कई सारे फैक्टर्स एक साथ हो गए जो फेबर में टेम्परेचर uh, अचानक से बढ़ गया प्राइस क्रैश हो गए थे अचानक से मार्च अप्रैल में और उसके अलावा uh, जो पेस्ट और डिजीज अटैक्स थे इसकी वजह से ये सब फैक्टर्स एक साथ हो गए इसीलिए प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं टोमेटोज आर मोर ओवर पेरिशेबल अब उसके अलावा टोमेटोज है वो पेरिशेबल होते हैं यानी आसानी से वो खराब हो जाते हैं तो एंड नॉट अमेनेबल टू सॉरी अमेनेबल मतलब कि कोई चीज़ जो आसानी से कर पाए तो टोमेटोज जो है वो आसानी से आप ग्रो तो कर सकते हो साल भर लेकिन आप आसानी से उन्हें स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो पेरिशेबल है खराब हो जाते हैं अनलाइक पोटेटोज और अनियंस जिन्हें स्टोर किया जा सकता है ठीक है इसका मतलब यही हुआ ना कि जो टोमेटोज है वो स्टोरेज उनकी नहीं की जा सकती आसानी से अनलाइक पोटेटोज एंड अनियंस यानी कि पोटेटोज और अनियंस को आसानी से स्टोर किया जा सकता है प्रोसेसिंग ऑफ सरप्लस टोमेटो इन टू प्योरे और पेस्ट फॉर न्यू फॉर वेन प्राइस ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस इज अ गुड आइडिया अब एक सजेशन है कि क्या किया जाना चाहिए ऐसे सिचुएशन में तो एक अच्छा आइडिया तो यह है कि जब हमारे पास सरप्लस टमेटो जब जैसे कि अभी फेबर में जैसे मार्च में हुआ था जब बहुत ज्यादा प्राइसेस कम हो गए थे तो सरप्लस टमेटोज थे बहुत ज्यादा टमाटोज थे सरप्लस जरूरत से ज्यादा तो उस वक्त क्या किया होना चाहिए उसकी टमेटो प्योरी बना लेनी चाहिए उसका पेस्ट बना लेना चाहिए ताकि जब प्राइसेस बढ़े फ्रेश टोमेटोज के तो फिर हम उन उस टोमेटो प्योरी या पेस्ट को यूज़ कर सकें स्पाइक का मतलब इंक्रीज तो देखो आप, आप, आपको डिफरेंट वर्ड्स मिले होंगे स्पाइरल होना ठीक है स्पाइक होना तो ये सब जो है ये इंक्रीज को शो करते हैं तो इनके ये जैसे अब इसको आपको क्या करना है इनके आ, इनके सिनोनिम्स ये सिनोनिम्स हो गए स्पाइरल होना स्पाइक होना ठीक है अच्छा क्रैश इसका एंटोनिम हो गया स्पाइक होना प्राइसेस और क्रैश बिल्कुल गिर जाना तेजी से तो ये इनके ऊपर आपको ध्यान देना है इज अ गुड आइडिया प्रोवाइडेड कंज्यूमर्स एक्सेप्टेड अब प्रोवाइड करना तो किसी को कुछ उपलब्ध कराना होता है कुछ देना होता है लेकिन यहाँ पर प्रोवाइडेड का मतलब है कि अगर कंज्यूमर्स एक्सेप्ट करते हैं अगर लोग टमाटर की प्योरी एक्सेप्ट करते हैं खरीदना तब तो यहाँ पर हम इफ कह सकते हैं या फिर एज लॉन्ग एज भी कह सकते हैं कि ये जो आ, हम जो जिस आइडिया की बात कर रहे हैं कि टोमेटोज की प्योरी टोमेटो की प्योरी बना लेनी चाहिए जब सरप्लस हो Uh, ताकि हम उस टाइम यूज कर सकें जब जब टोमेटो के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये अच्छा आइडिया है एज लॉन्ग एज कंज्यूमर्स एक्सेप्टेड जब तक कि कंज्यूमर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं इट प्रॉबेबली मेक्स मोर प्रैक्टिकल सेंस टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन क्रॉप तो अभी कुछ इन दिस केस दैट कुड बी इन अबाउट इन अबाउट टू मंथ की इस वक्त कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है कंज्यूमर्स को कम्प्लेट करने की जरूरत नहीं गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्टेप लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दो महीने के अंदर ही जो है नई क्रॉप आ जाएगी और ये ज्यादा प्रैक्टिकल है कि हम वेट करें तब तक फ्रॉम अ लार्जर पॉलिसी स्टैंड पॉइंट अगर हम लार्जर पिक्चर की बात करते हैं स्टैंड पॉइंट एनी पॉइंट ऑफ व्यू या परस्पेक्टिव ठीक है तो अगर हम पॉलिसी के नजरिए से देखें तो ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी इज वॉट काउंट्स ओवरऑल एक आइटम की प्र, प्राइस आ, जो है उसके उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरऑल जो सब सम, सामान की जो फूड आइटम्स है उनकी जो प्राइस है वो स्टेबल होनी चाहिए तो काउंट्स मतलब वो मैटर करती है प्रेटिंग ओवर इंडिविजुअल विद इन द कंज्यूमर फूड बास्केट दे आर कॉस्टिंग मोर ड्यूरिंग सर्टन मंथ सर्व नो यूजफुल हम हम अगर फूड आइटम्स की बात करें उनमें सिर्फ एक प्राइस एक का प्राइस बढ़ गया है पर बाकियों का इतना नहीं बढ़ा तो उसकी चिंता करना जो है वो सही नहीं है वो इट इट सर्व नो यूजफुल पर्पज उसका कोई फायदा नहीं है अगर बाकी सब फूड प्राइसेस फूड आइटम्स का प्राइस जो है वो स्टेबल है तो तो ओवरऑल स्टेबिलिटी होनी चाहिए फूड आइटम्स की ठीक है तो आ, अगर अगर आप ये यूज कर सकते हैं कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए अगर फॉर और अगेंस्ट हो कि अगर कोई फॉर में बोल रहा है कि नहीं गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए लेकिन आपको अगर अगेंस्ट में बोलना है आप क्या बोलोगे कि क्यों गवर्नमेंट इंटरव्यू ना करें तो आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो कि बाकी आइटम्स के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं और टोमेटोज के प्राइसेस सिर्फ एक चीज़ के प्राइसेस बढ़े हैं तो अभी इंटरवीन करने की जरूरत नहीं क्योंकि टू मंथ्स में नई क्रॉप आ जाएगी तो आ, इस 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 तरह के आर्ग्यूमेंट्स यूज किए जा सकते हैं सो अ ईयर और इवन सिक्स मंथ्स हो एवरीथिंग फ्रॉम एडिबल ऑयल टू वीट एंड मिल्क वॉज ऑन फायर तो एक साल पहले या छः महीने पहले भी सब चीज़ें एवरीथिंग फ्रॉम एडिबल ऑयल टू वीट एंड मिल्क सब चीज़ों में जो है वो फायर पर थी यानि कि वो लिटरली फायर नहीं कह रहा वो कह रहे हैं कि वो उन वो उनके जो प्राइसिस थे वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे प्राइसिस वेरी हाई तो दोस्त जनरलाइज फूड इन्फ्लेशनरी प्रशर्स है क्लियरली सबसाइडेड तो वो जो फूड इनफ्लेशनरी इन्फ्लेशन क्या होता है महंगाई तो वो जो प्राइसिस बढ़े हुए थे फूड आइटम्स के अब क्लियरली सबसाइड हो चुके हैं यानी कि कम हो गए हैं सबसाइड होना कम हो जाना डिग्री में कम हो जाना तो वो जो प्राइसिस थे वो अब कम हो गए इवन इफ टमेटोज आर एक्सपेंसिव भले ही वो महंगे हैं टमेटोज द लाइक्स ऑफ अनियन पोटेटो एंड मोस्ट अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आरट तो भले ही टमेटोज महंगे लेकिन ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो महंगे नहीं है। The likes of हैं द लाइक्स ऑफ हम कब यूज करते जब जैसे हमने किसी चीज़ का नाम लिया और वैसे ही हम आगे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं यहाँ पर फ्रूट वेजिटेबल जैसे टोमेटो एक फ्रूट है ठीक है तो उसके अब हमने उसके आगे फिर वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल दिए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात हुई तो जब हम द लाइक्स ऑफ यूज करते हैं हम चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं और पीपल के लिए भी यूज कर सकते हैं ठीक है अगर हम पीपल के लिए यूज करते हैं तो ये एक नेगेटिव सेंस uh, में हम यूज करते हैं द लाइक्स ऑफ हिम द लाइक्स ऑफ उसके आगे किसी का भी नाम है तो वो एक नेगेटिव टोन uh, में यूज होता है ठीक है तो बिसाइड्स हाई प्राइसेस आर एन इंसेंटिव फॉर फार्मर्स अब इसके अलावा जो बढ़े हुए प्राइसेस हैं वो फार्मर्स के लिए एक इंसेंटिव है मोटिवेशन है कि अगर बढ़े हैं प्राइसेस तो फार्मर्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो वाले आइटम्स वो वाले फूड आइटम्स पॉलिसी मेकिंग शुड बी एज सेंसिटिव टू प्राइस क्रैशिज एज सर्जेस तो पॉलिसी मेकिंग को हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना कि वो सेंसिटिव होनी चाहिए यानी कि प्राइस क्रैश के और सर्ज दोनों चीज़ों के लिए के के हिसाब से होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब प्राइस बढ़ रहे हैं तभी हम पॉलिसी के स्टेप्स लेंगे ठीक है प्राइस जब गिरते हैं या बढ़ते हैं दोनों के सेंसिटिव चाहिए दोनों को लेके दोनों को बैलेंस आउट करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सर्ज एक और वर्ड हमें मिला तो हमने देखा सर्ज देखा था ठीक है हमने देखा स्पाइक देखा ठीक है स्पायरल देखा तो ये सब इंक्रीज शो कर रहे हैं क्रैश जो है वो डिक्रीज शो एक डिक्लाइन शो कर रहा है ठीक है तो ये आ था हमारा जो एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं ये आप एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हैं ठीक है थेके? तो आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन सो एंड लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज डू और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप वो भी कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं थैंक यू